हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम मेथी के गट्टे बनाएंगे। मेथी के गट्टे बनाने के लिए सबसे पहले मेथी के पत्तियों को अलग कर लेंगे और उनको काट कर धो लेंगे। हमने इसे पहले ही धोकर रख लिया था। अब मेथी के पत्तियों को एक बर्तन में डाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढककर 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। पांच मिनट हो चुकी है। अब हम इसको एक बार खोलकर देख लेते हैं। इसे थोड़ा चला लेंगे। देखिए, पत्तियां अच्छे से मैश हो रही हैं। इसका मतलब ये तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसका पानी आसानी से हाथों से निकाल सकते हैं। अब इसका पानी निकाल लेंगे। देखिए, हम इसे कुछ इस तरीके से दबाकर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारी मेथियों का पानी निकाल लेंगे। देखिए, इसका सारा पानी निकल चुका है। अब इसमें 1 कप बेसन, 2 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच नमक, 3 बड़े चम्मच तेल डालकर इसे बिना पानी के गूंथ लेंगे। इसे हमें आटे की तरह ही गूंथना है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है क्योंकि मेथी ने ऑलरेडी थोड़ा सा पानी सोख कर लिया था, जिसकी वजह से आसानी से गूंथ जाएगा। देखिए, ये अच्छे से गूंथ चुका है। अब हम इसका रोल बना लेंगे। इसके लिए हाथ में थोड़ी सी चिकनाई ले लेंगे, जिससे हाथ में चिपके ना और इसका आसानी से रोल बन जाए। देखिए, हमें इसका कुछ इस तरीके से रोल बनाना है। रोल बनकर तैयार है। हम इनको स्टीम कर लेंगे। इसके लिए कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे। और एक स्टैंड रख लेंगे। अब एक जालीदार प्लेट लेंगे और उसमें थोड़ी सी चिकनाई लगा लेंगे। और उसको स्टैंड के ऊपर रख देंगे। अब जो हमने रोल बनाए थे उनको इस प्लेट के ऊपर रख देंगे।
अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 10 मिनट हो चुकी हैं, अब इनको एक बार चेक कर लेंगे। देखिए टाइट हो चुका है, इसका मतलब ये तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये हल्का ठंडा हो चुका है, अब हम रोल को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। गट्टे बनकर तैयार हैं, अब इनको फ्राई कर लेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे और हल्का फ्राई कर लेंगे। अब इसमें सारे गट्टे डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ध्यान रहे हम इसमें नमक कम ही डालेंगे, क्योंकि हमने गट्टे में भी ऑलरेडी नमक डाल दिया था। एक चम्मच गरम मसाला डालकर सभी को मिला लेंगे। हम इनको थोड़ा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। ये हल्के फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें नींबू का रस डालेंगे। और थोड़ा सा मिलाकर गैस बंद कर देंगे। अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और फिर से अच्छे से मिला लेंगे। मेथी के गट्टे बन चुके हैं, अब इन्हें एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। मेथी के गट्टे बनकर तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में या टी स्नैक्स में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।